अरुण जेटली जी हमारे बीच नहीं हैं। मैं अपने 42 साल के पत्रकारिता जीवन में अगर ये कहना हो कि मैंने सबसे ज़्यादा किससे सीखा है, और वो भी पत्रकारिता के नए आयाम, तो वो मैंने जेटली जी से सीखा। कहने में बड़ा अजीब लगता है कि कोई पॉलिटिशियन पत्रकारिता कैसे सिखा सकता है, लेकिन एक छोटा सा किस्सा बताते हैं। पार्लियामेंट में लगातार हंगामा चल रहा था किसी टॉपिक को लेके, और पार्लियामेंट बिल्कुल क्रिपल हो गया था, पंगु हो गया था, कोई काम नहीं हो रहा था। बात बहुत पुरानी है। हम जो डीब्रीफिंग होती थी मशहूर, उसमें अरुण जेटली जी के पास बैठे थे। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट की परंपरा के बारे में बताना शुरू किया और बताया कि रैमसे मैकडोनल्ड जब प्राइम मिनिस्टर थे तो कैम्बेल केस लेके उनके खिलाफ आरोप लगे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उस समय पार्लियामेंट कैसे रिएक्ट कर रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट किस तरह रिएक्ट कर रहा था, खास करके हाउस ऑफ कॉमन्स। मुझे कभी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में अगर गहराई से समझना होता था तो हम जेटली जी के उन किस्सों को याद करते थे। अद्भुत था ज्ञान उनका यूरोपियन पार्लियामेंट, अमेरिकन पार्लियामेंट और ख़ास करके ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में उनकी जानकारी। छोटे छोटे किस्से से वो इतनी पावरफुल एक एनालॉजी देते थे, एक ऐसी ऐसा उदाहरण देते थे जो भारतीय घटनाक्रम में बिल्कुल फिट बैठता था। कई बार होता था कि संविधान को लेके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर मेंबर्स ने इस मुद्दे पे क्या कहा था, यहाँ से वो शुरू करते थे और उसको फिर डॉक्टर अंबेडकर तक लाते थे। आप ज़रा सोचिए किसी सीरियस जर्नलिस्ट के लिए ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट होती होंगी। मुझे लगता है कि अरुण जी ने पत्रकारिता की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, पत्रकारिता में गुणवत्ता बेहतर करने के लिए जो प्रयास किए थे, भले ही वो दिखाई ना देते हों, लोग कबूल करें ना करें, आज जो शीर्ष पे तमाम अंग्रेज़ी अखबार के एडिटर बैठे हैं, हिंदी के बैठे हैं या कुछ टेलीविज़न के एडिटर्स हैं, अरुण जी का उनकी पत्रकारिता को बेहतर करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक छोटा किस्सा और बताता हूँ। मैंने अरुण जी से कहा कि आपसे कुछ बात करनी है, कुछ चीज़ों को समझना है। जब हम गए उनके घर पे, तो उन्होंने कहा कि आओ चलते हैं, वो क्रिकेट मैच हो रहा है फिरोशा कोटला में, तो रास्ते में बात करते चलेंगे और तुम्हें अपना दिखाते हैं कि किस तरह से फिरोशा कोटला ग्राउंड को हमने इम्प्रूव किया है, बेहतर बनाया है। उस समय वो अध्यक्ष थे दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के, और BCCI में भी शायद कोई पद था उनका। वो हमसे कुछ बातें कर रहे थे, उसी बीच में एक फ़ोन आया। फ़ोन पे इन्होंने पूरी शालीनता से फ़ोन करने वाले का सम्मान किया, बल्कि पहले नमस्ते किया, लेकिन जो उस तरफ से बात आ रही थी उसको सुनने के बाद, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, He puts the receiver gently but firmly. अरुण जी ने लगभग वही मुद्रा अपनाते हुए कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, और भी बच्चे हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेटर है। ये कह के कुछ चेहरे पे एक गुस्से के भाव में फोन काट दिया। मुझे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने अरुण जी से पूछा कि अरुण जी किसका फोन था। बोले कि एक पॉलिटिकल लीडर का था, हालांकि उन्होंने नाम भी बताया, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उन बेटे का फ़ोन था, वो चाहते थे कि उनके बेटे को इंडियन टीम में ले लिया जाए, जबकि और उससे बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड के दूसरे लड़के हैं, लिहाजा हम मना कर दिए उनको। पता नहीं पॉलिटिशियंस को क्यों ये होता है, किस तरह के दबाव डालते हैं, ये उनका कमेंट था। राजनीति में एक स्वच्छ परंपरा
और किसी भी बड़े से बड़े पॉलिसी या समस्या को सहज भाव में उसे समझाना, जीएसटी जितना जटिल था उसको सहज भाव में समझना और समझाना, मुझे लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन उनका इंडियन पॉलिटिक्स को था। और इंडियन पॉलिटिक्स में ही आइडियोलॉजिकल सीन देना, एक आदर्शवादी चमक देना, थ्योराइज करना, किसी भी सिचुएशन की थ्योरी बताना, मूल थ्योरी बताना, ये अरुण जी का एक खास वो था, पैशन था। और मुझे लगता है कि विचार के स्तर पे जितना क्लियर थे वो समाज में कैसे विकास होगा इसको लेके, मुझे और कोई नेता उस स्तर का नहीं मिला जो कि इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ चीज़ों को समझाता हो। मुझे लगता है कि ये जो स्थान खाली हुआ है इसकी पूर्ति शायद होना मुश्किल है, और सिर्फ ये राजनीति के लिए नहीं, देश के विकास के लिए नहीं, बल्कि पत्रकारिता के लिए भी। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।